Hello students, how are you? Good morning. Today we shall study about the kinds of adverb again. And yesterday I discussed about four kinds of adverb. And today fifth kind of adverb. And it is adverb of degree. Adverb of degree. तो बच्चों एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो दे आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ मच questions like how much or how fast एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है हाउ मच या हाउ फास्ट जैसे क्वेश्चन को आंसर करते हैं इसमें दूसरी पॉइंट होती है बच्चों को नोट कर लेंगे दीज कैन आल्सो बी दीज कैन आल्सो बी यूज टू मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स यूज टू मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स ओके तीसरी पॉइंट बच्चों लिख लोगे एडवर्ब ऑफ डिग्री आल्सो मॉडिफाई वर्ब्स दीज आल्सो मॉडिफाइज वर्ब्स अब तीनों के जो है हम एक एक जो है एग्जाम्पल बताएंगे तीनों के एक एग्जाम्पल बच्चों और से नोट कर लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा दीज शूज आर टू बिग फॉर यू दीज शूज आर टू बी फॉर यू इसमें जो टू है वह एडवर्ब ठीक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों द सोल्जर फॉर वेरी वेरी द सोल्जर फॉर Very bravely. Bravely तो एडवर्ब है वेरी जो है मॉडिफाई कर रहा है यहां पर टू जो है बिग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ठीक है और तीसरा एग्जाम्पल आई नियरली मिस द ट्रेन आई Nearly missed the train. Nearly जो है miss को modify कर रहा है ठीक है बच्चों और general जो example होते हैं adverb of degree के
एग्जाम्पल मैं यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। टू ऑलमोस्ट फुली नियरली एनी वेरी वेरी प्रेटी आर टूगेदर आर टूगेदर इट इज ओके। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है एक बार आप देख लेंगे, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद बच्चों आप एक्सरसाइज नंबर जो सी है उसको कर लोगे, ओके। एक्सरसाइज सी इज होमवर्क। नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करते हैं, पास करके नोट कर लेते हैं, ओके। डन, चलो डन। अभी तक बच्चों हमने फाइव काइंड्स के एडवर्ब को पढ़ा, वे जो थे सिंपल एडवर्ब थे। अब बच्चों हम कंपाउंड एडवर्ब की बात करेंगे। कंपाउंड एडवर्ब, कंपाउंड एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब सिंगल वर्ड के होते हैं, कंपाउंड एडवर्ब बच्चों मल्टीपल वर्ड्स के होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब्स दैट आर, एडवर्ब्स दैट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर words, known as compound adverbs. Okay? इसके कुछ एग्जांपल, एवरी डे दो वर्ड का बना हुआ है, इंटरेस्ट फ्री, ओके, हैंड इन हैंड, अप एंड अबाउट, समटाइम्स मीनवाइल, मीनवाइल अहेड, मीन अहेड, ओके। तो ये बच्चों दो दो वर्ड के, तीन तीन वर्ड के जो होते हैं वर्ड जो बने होते हैं उनको कंपाउंड वर्ड कहा जाता है, ओके। इसका एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, सेंटेंस में एग्जाम्पल, दे वॉक हैंड इन हैंड, दे वॉक हैंड इन हैंड, वे हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे। तो हैंड इन हैंड जो है एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई।
कर रहा है। दूसरा the room can be returned interest free रिटर्न को मॉडिफाई करता है। इसको नोट कर लें, एक्सरसाइज नंबर बी आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज ओके नोट कर लें। मिटा दूं। अब है तू कंपेरिजन आप वेटिंग लगाएंगे कंपेरिजन आप एडवर्स की थ्री डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके मोस्टली जो होता है बच्चों जो सिंगल सिलेबल वर्ड एडवर्स होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ देते हैं। देखा पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव जिसे फास्ट है कंपैरेटिव बनेगा फास्ट है सुपरलेटिव फास्टेस्ट। ठीक है ऐसे ही लेट है लेटर लेटेस्ट सून सूनर सूनेस्ट ठीक है कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं बच्चों जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव से पहले मोर लगाया जाता है मल्टी सिलेबल वो एडवर्ब होंगे या जिनके अंत में एल वाई आता है उनका भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर मोस्ट लगाया जाता है। जैसे साई ली है तो मोर साई ली हो जाएगा मोस्ट साई ओके क्विकली है मोर क्विकली मोस्ट क्विकली ओके जो भी बच्चे बच्चों जो होते हैं सभी वर्ड जिनके अंत में एल वाई होता है वे सभी एडवर्ब नहीं होते हैं। ओके मेनी एडजेक्टिव्स हैव द सेम एंडिंग एंड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर यूज इन द सेंटेंस दे लेट द पार्टी अर्ली इसमें अर्ली क्यों है एडवर्ब है वी टूक द अर्ली ट्रेन टू चंडीगढ़ यहां पर अर्ली ट्रेन अर्ली जो है एडवर्ब का ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है
एज कैन बी सीन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन अबव मेनी एडवर्ब्स वर्क बोथ एज एडजेक्टिव्स एंड एज एडवर्ब. ओके बच्चों कुछ जो होते हैं एकदम सिंपल उनका डिफरेंट हो जाता है उनका कंपेरेटिव पॉजिटिव शब्द होता है पॉजिटिव शब्द डिफरेंट होता है जैसे वेल है मान लो बच्चों तो बेटर हो जाएगा कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगा. ओके ऐसे ही इल है वर्ड होता है उसका कंपेरेटिव वर्स्ट होता है सुपरलेटिव. ओके ऐसे लिटिल है लेस लिस्ट ठीक है. तो बच्चों अब एक्सरसाइज ई आप लोगों का होमवर्क है तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर दीजिएगा एक्सरसाइज ई. आप काफी भी नोट करोगे ठीक है. नोट कर लीजिए.